बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से। तीसरा रोज़ा है और तीसरे रोज़े में मैं बना रही हूँ चॉकलेट कॉफ़ी केक। दही बड़े टैंक बनाया है ऑरेंज फ्लेवर में, बनाना जैम स्मूथी बनाई है और मटन सूप बनाया है सहरी के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चॉकलेट कॉफ़ी केक से। तो मैंने यहाँ लिए हैं 4 अदद अंडे, शक्कर पिसी हुई 100 ग्राम, नमक 1 चुटकी, मैदा 100 ग्राम छना हुआ, कोको पाउडर 1 से 1.5 चाय के चम्मच, कॉफ़ी 1 से 1.5 चाय के चम्मच। कॉफ़ी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं जैसा आपका टेस्ट हो। अगर टेस्ट हो तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर लाइट हो तो लाइट कर लीजिए, अगर मीडियम है तो फिर ये क्वांटिटी सही है। दूध मैंने लिया है 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और गार्निशिंग के लिए लिए हैं वॉलनट्स। वॉलनट्स इसमें ऐड कर सकते हैं बट मेरे बच्चे नहीं खाते तो फिर सारा केक ख़राब हो जाता, इसलिए फिर मैंने वॉलनट्स गार्निशिंग के लिए ही रखे हैं। मेरे और एमन के अलावा कोई वॉलनट घर में नहीं खाता, इसलिए फिर मैंने इसमें बैटर में ऐड नहीं किए हैं, ऊपर से गार्निश किए हैं। 4 अंडों को अच्छे से फेंट लेने के बाद, बीट कर लेने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किया है छानते हुए। अगर कोई गुठलियाँ होंगी मैदे में या फिर कोको पाउडर में तो वो टूट जाएंगी और छनी जाएंगी। और 1 कप दूध ऐड किया है और इसको अच्छे से बीट कर लूँगी और सेट कर दूँगी जिसमें मैं बेक करने वाली हूँ उस बर्तन में। उस बर्तन में मैंने ऑयल स्प्रेड किया, उस पर मैदे की कोटिंग की और फिर ये बैटर इसमें डाल रही हूँ। इतना गाढ़ा होना चाहिए और फिर हल्का सा टैप टैप करके मैं इसको रख दूंगी प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे 20 से 25 मिनटों के लिए। केक को ओवन में प्लेस करने के बाद मैं आ गई थी चूल्हे में माश के वड़े बनाने के लिए, तो माश के दही बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक स्मूथ सा बैटर बना लिया है माश के वड़ों का, नमक और हरी मिर्च के साथ, और उतने में ही केक भी बनकर रेडी हो गया था। 20-25 मिनट यूं ही गुजर गए तो फिर मैंने वॉलनट्स इस पर प्लेस किए और इसको सेट कर रख दिया था साइड में। मेरी एक रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। और फिर यहाँ मैं वड़े तलने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई ली है फ्लैट वाली बड़ी सी, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा वड़े इसमें आ जाएंगे, मेरा काम भी जल्दी हो जाए। जब तक मैं यहाँ आधा किलो दही में भुना ज़ीरा, हरा मसाला, नमक 1 चम्मच, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट और 1/2 टीस्पून पिंक सॉल्ट, यह आपकी चॉइस है, और फिर 1 अदद बड़ी हरी मिर्च और 1 चाय का चम्मच शक्कर, अच्छे से ग्राइंड किया, बटर मिल्क बना लिया था और पौ हिस्सा मैंने पानी का इसमें ऐड कर लिया था। मैं हमेशा से वड़ों को छाछ में ही डालती हूँ सोक करने के लिए, पानी में नहीं। सारे वड़े अल्हम्दुलिल्लाह तर के रेडी हो गए थे और बटर मिल्क में मैंने इसको ऐड भी कर दिया था। और यहाँ बघार की तैयारी कर रही हूँ दही वड़ों की। दही वड़ों की बघार की तैयारी कर रही हूँ ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च और करिया पाक से। और कुछ वड़े बच्चों ने खाली खाने थे तो फिर मैंने सिर्फ़ वड़े तलकर चाट मसाला ऐड कर उन लोगों को सर्व कर दिया था।
और मैं बघार में हल्दी डालना भूल गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने स्पून में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें हल्दी गरम कर फिर हल्दी पका कर वड़ों में ऐड कर लिया। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुन लीजिएगा। और यहाँ बना रही हूँ टैंक। टैंक में हल्का सा नमक ऐड किया है। मैं यहाँ जग भर कर टैंक बना रही थी इसलिए 2-3 चुटकी नमक ऐड किया है। आप अगर मैंने तो जग भर कर बनाया था, लेकिन आप एक गिलास बनाकर देखिए और उसमें सिर्फ एक चुटकी नमक यूज़ करिए और टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाएगा, टेस्ट गेम चेंज कर देगा आपका। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे वड़े निकाल लिए थे, डिश आउट कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तार का दस्तर तैयार है। इफ्तार के दस्तर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सात रोज़ा सुकून से खोलने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बर्तन इतने जमा हो जाते हैं, तूफान सा आ जाता है किचन में बर्तनों का। तो फिर मैं साथ ही साथ बर्तनों को प्लेस कर देती हूँ डिश वॉशर में। अगर फुल हो गया डिश वॉशर तो ऑन कर देती हूँ, प्लेस है तो फिर वेट कर लेती हूँ डिनर का या तो फिर सहरी का। और टैबलेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर डाल रखा है, अभी ऑर्डर आया नहीं। टैबलेट थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है जबकि पाउडर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और मैं लेमन फ्रेग्रेंस का मंगाती हूँ तो मुझे वो बहुत पसंद है। दूध ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने यहाँ और फिर डिनर भी साथ ही साथ हो गया था और मैं हो गई थी फ्री। और थोड़ा सा एडिट करके अपलोडिंग के लिए मैं यहाँ वो काम कर लेती हूँ। फिर जब वीडियो अपलोड हो जाए तो फ़ोन फटाफट से चार्जिंग पे लगाया और वज़ू किया, बच्चों को ले ईशा तरावी पढ़ लेती हूँ जब तक ये आ जाते हैं, या फिर कुछ और काम हो तो वो कर लेती हूँ। जैसा मुझे आज सहरी में पकाना था तो सूप बना रही हूँ, आज मटन सूप बना रही हूँ सिंपल वाला, लेकिन बहुत तेल गर्म किया है और उसमें ऐड किए हैं साबित प्याज और टमाटे शाख लगा के, अदरक लहसुन पेस्ट। इन सारे चीज़ों को इक्वली प्लेट के लिए अच्छे सा भूना और मटन ऐड कर रही हूँ यहाँ। ये 1.25 किलो से ज़्यादा मटन था, मटन ऐड किया है और गरम मसाला, काली मिर्च, नमक ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले में मैंने इक्वल क्वांटिटी में लौंग, इलायची छोटी और बड़ी, शाहजीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, जौ जौत्री, इन सारे चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ग्राइंड कर छान कर मैंने रमज़ान से पहले ही रख लिया था, जो कि मुझे अब इजी हो गया है। हमेशा घर पर ही बनाती हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। और सूप में मैंने 1 लीटर जितना पानी ऐड किया था और इसको सीटी लगा दूंगी, चार पांच सीटी लगा दूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे घुल मिल जाए। सूप के साथ रोटी चाहिए होगा तो फिर मैं आटा अभी से गूंद कर फ्रिज में रख ले रही हूँ। गेहूं की आटे की रोटी बनाऊंगी क्योंकि फिर जवारी की बनाती तो बच्चे खाते नहीं, और वैसे भी सूप के साथ रोटी अच्छी लगती भी नहीं, जवारी की रोटी अच्छी लगती भी नहीं। नमक ऐड किया और डो बनाकर रेडी कर फ्रिज में प्लेस कर दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस इतना पसंद करने का और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का, आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, इससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं थक हार कर जब फ़ोन चेक करती हूँ तो कमेंट्स पढ़ के एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है, तो ये क्रेडिट पूरा आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच, होप आप इसी तरह मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे।
और मैं यहाँ बना रही हूँ स्मूथी, बनाना स्मूथी हम सब के लिए। तो 4 अदद बनाना लिए है, 2 टीस्पून मैंने जैम ऐड किया है, किसान जैम मिक्स फ्रूट वाला। और यहाँ दूध रख दिया था, 2-3 घंटे हो गए थे दूध रखे हुए डीप फ्रीज़र में, बहुत चिल्ड हो गया था, बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो ये ग्लास मैंने वैसे आइका से ली थी सिर्फ 100 रुपीज़ में, इट्स वर्थ इट। और फिर अच्छे से इसको ग्रैंड किया, स्मूथी बनाई और सर्व किया, सारी फैमिली ने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। शहर का टाइम था और जब मैं कुकर खोली तो सारी चीज़ें एकदम से डन थी। तो मैं फिर इसको थोड़ा सा चम्मच चलाकर इसको बिल्कुल छोटे चूल्हे पे सिम कम आंच पर रख दी थी। जब तक मैंने रोटियां कंप्लीट की, ये अच्छा बॉयल्ड होके इक्वल हो गया था। ऐसे नहीं कि पानी अलग सूप अलग, बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया था। और फिर हम लोगों ने सहरी की अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तार टू सहर बहुत अच्छा दिन गुजरा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वीडियो की एंड होने लगी है तो मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, जब इमाम सूरह फातिहा के आखिर में गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहते हैं तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि जिस शख्स की आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए, यानी दोनों के आमीन का वक्त एक हो, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।